क्या बात आया, राम मंदिर हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था, वो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी। मित्रों, घटना तो उत्तर प्रदेश में घटी थी, विध्वंस तो अयोध्या में हुआ, लेकिन चार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्ती इस देश में बर्खास्त कर दी गई। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें बलिदान हो गई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं हिंसक प्रदर्शन नहीं किया, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान नहीं किया, वो सारा दंश झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण को लेकर आगे बढ़ते रही। यह हमारा सिद्धांत है। हमारे पार्टी में कहा गया है कि जब पार्टी और फिलॉसफी चुनना पड़े तो आप फिलॉसफी को चुनिए, पार्टी फिर खड़ी हो जाएगी। पार्टी और पर्सन को चुनने की बात आवे, आप पार्टी को चुनिए, पर्सन को छोड़िए। यहाँ पर्सन का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर सिद्धांत का महत्व है, यहाँ पर उसके कर्म के महत्व है, यहाँ पर उसके त्याग के महत्व है। यह महत्व देखने की आवश्यकता। आज देख रहे हैं जो पूर्वज हमारे लाइन खींच कर गए, आज वो शुभ दिन है जब दिल्ली में एक ऐसे ही कार्यकर्ता के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। मित्रों, प्रथम आम चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ा, मात्र 2 सीट आए। लोग कहते थे कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। दो सांसद जब भी घुसते थे संसद भवन के अंदर तो ये लोग कहते थे। आज हमारी वो स्थिति है, मैं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का संगठन करता हूं और ये दुनिया आज देख रही है, ये जो वैचारिक बदलाव का दौर आया हुआ है। जब चुनाव आते थे ये सारे लोग नकली सेक्युलरिज्म इस देश में फैला करके हिंदुओं के भावनाओं से खेलते थे। आज चुनाव आ गया, देखते होंगे मजार मस्जिदों में गोल टोपी लगाकर घूमने वाले लोग आज हसियों पर है, आज उस कौम को टिकट देने से कतराते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी सीना ठोक कर कहती थी किसी के पूजा पद्धति से हमारा कोई विरोध नहीं है, इस देश के संस्कृति को, इस देश के प्रकृति के, इस देश के संस्कृति को जो अपनी मां मानेगा वो सभी हिंदुस्तानी हमारा भाई है, बंधु है। यही सिद्धांत को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। लेकिन इस देश के तुच्छ सेक्युलरिज्म के लोगों ने उसको ऐसा गुमराह किया कि भारत माता की जय बोलने तक से उसको एतराज होने लगा, वंदे मातरम तक से एतराज होने लगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की धरती है, सावरकर की धरती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की धरती है, ये डॉक्टर हेडगेवार की धरती है, गोलबरकर की धरती है। इस धरती पर जब तक देश का आखिरी हिंदू जिंदा रहेगा, भारत का राष्ट्रवाद जिंदा रहेगा, ये दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती। मित्रों, मिटा नहीं सकती। आज देख रहे हैं लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरा में है, भाजपा सत्ता में आएगी संविधान बदल देगी, 400 सीट लेकर के आएगी, संविधान बदलने की तैयारी चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि जब देश में इमरजेंसी लगा हुआ था तो सेक्युलरिज्म और समाजवाद, समाज संविधान के प्रस्तावना में जबरदस्ती घुसाया गया शब्द है। मित्रों, यह जबरदस्ती घुसाया गया शब्द है, यह कहीं पार्लियामेंट से पारित तक नहीं हुआ, वैसे लोग संविधान की हत्या किए हैं। प्रस्तावना में था कि किसी भी कीमत पर प्रस्तावना से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उस प्रस्तावना से भी छेड़छाड़ किया गया। गौ हत्या कानून की मांग की गई इस देश में, गौपालन बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश में हुआ करता था। आज गौपालकों की क्या स्थिति है, जब गौ हत्या की बात आई, साधु संतों का कत्लेआम किया गया, जब अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन चलाए जा रहे थे, सरयू में लाशों से पटा दिया गया, ये क्रूरता हमारे देश के संस्कृति से किया गया है। समय आ गया है मित्रों, ऐसे ताकतों से हमको निपटना होगा। आज जो ये देख रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वायनाड में परसों की घटना है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसके चुनाव का समर्थन करती है। यह क्या संदेश देने का कोशिश किया जा रहा है, इस देश के अंदर जो संगठन प्रतिबंधित हो चुका है, आतंकवाद के आरोप में प्रतिबंधित है, वैसे संगठन के तुच्छ लोग उस एजेंडा का हिस्सा बने हुए हैं। वही जगह है जहां से पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव आया, उस देश का नाम पाकिस्तान पड़ा,
उसी धरती से नाम आया है जहां आज इस्लामिक कट्टरता चरम पर चलाया जा रहा है। धर्मांतरण के खेल उस देश से खेले जा रहे हैं, देश की भोली भाली जनता को भ्रमित किया जा रहा है। अरे भाई, अगर तुम धर्मांतरण कानून का विरोध करते हो तो इस देश में धर्मांतरण की आवश्यकता क्यों तुमको पड़ गई है? क्यों हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात कर रहे हो? यह देश का हिंदू जाग चुका है, अपनी अस्मिता के लिए, अपने सम्मान के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से कदम मिलाकर चलेगा और एक दिन भारत परम वैभव की ओर ले जाएगा। अभी सामने में चुनौती है, हमको हल्के में नहीं लेना है। आज जो नेता देख रहे हैं, ये लोग जातीय उन्माद पैदा करेंगे, अगड़े पीछे की राजनीति करेंगे। अरे भाई लालू प्रसाद जी, आप अगड़े पीछे की राजनीति करोगे, जातीय उन्माद फैला करके आप कुछ वोट का प्रतिशत जरूर बढ़ा सकते हो, लेकिन इस देश का कल्याण नहीं कर सकते हो, समाज में भाईचारा स्थापित नहीं कर सकते हो। तुम जंगल राज स्थापित कर सकते हो ये उन्माद फैलाकर, इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सामने वाले जो उम्मीदवार आए हैं, वो उम्मीदवार जो है नरसंहार के जनक है, उनके आतंक से शेखपुरा गया का जो लाइन है दो दो दिन बंद रहा है। ऐसे आतंकवाद से ग्रसित हमारा उम्मीदवार है विपक्ष में, उसको भी धूल चटाने की आवश्यकता है। गठबंधन में हम हैं, हमारे उम्मीदवार आए हुए हैं, एक एक मत एनडीए का उनके उनके पास जाएगा, सारे समर्थक उनके लिए लगेंगे। जब नामांकन का दौर शुरू होगा, हमारे समन्वय के भी काम चलेंगे, सम्मान का भी हम स्थापना करेंगे, सम्मान के साथ किसी प्रकार की समझौता नहीं करेंगे, ये आपको मैं वचन देता हूं। कोई भी गठबंधन की सरकारें बनेगी, गठबंधन के पार्टनर बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान से खेलने का अधिकार किसी को नहीं मिलेगा। मैं सम्मान हर परिस्थिति में अपना स्थापित करके राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, सम्मान के साथ किसी प्रकार की समझौता नहीं होगी। आप लोग संकल्प की मुट्ठी बांध करके इस देश की एकता और अखंडता के लिए, भारतीय जनता पार्टी का इस देश में स्वस्थ मजबूत और समृद्ध होना जरूरी है, इसलिए आप लोग संकल्प की मुट्ठी बांधिए, हमारे साथ नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीर सिवा राणा प्रताप का गूंज उठा हुआ नारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, जय भारत।